ये तेंदुआ है। ये शर्मीला बिग कैट बचकर निकलने में माहिर है। कई शिकारी इसकी काले रोजेट से सजी खूबसूरत सुनहरी खाल के लिए इसका शिकार करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इसी खाल की बदौलत इसे जंगल में लगभग गायब हो जाने की सहूलियत मिलती है। अपने माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाने वाले इस जीव को छिपने की जगह पर देखना बहुत मुश्किल है। अकेले रहने वाले ये तेंदुए निशाचर होते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। दिन की गर्मी के समय ये ऊंची टहनियों की ठंडी छांव में रहना पसंद करते हैं। इस ऊंचाई से तेंदुए नीचे दूर तक देख सकते हैं, जिससे इन्हें संभावित शिकार पर नजर रखने की सहूलियत मिलती है। बेहद फुर्तीले और ताकतवर तेंदुए नजर में नहीं आने के लिए मशहूर हैं, और ये ऊपर से छलांग लगाकर नीचे मौजूद शिकार को कुछ ही पलों में मार सकते हैं और अपने से 3 गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को खाने के लिए पेड़ पर ले जा सकते हैं। जंगली शूकर की लाश को लेकर चढ़ना किसी पूरी तरह वयस्क तेंदुए के लिए मुश्किल नहीं होगा। ये इनका पसंदीदा शिकार है, लेकिन इन तेज और चालाक जीवों को पकड़ना अक्सर मुश्किल साबित होता है। तेंदुए के लिए जंगली शूकरों का ये झुंड शिकार के लिए सही नहीं है, लेकिन इसे नीचे अपना पेट भरने का इंतजाम नजर आ गया है। तेंदुए मौके का फायदा उठाने वाले उस्ताद शिकारी हैं और इनकी खुराक में काफी विविधता होती है। हालात के मुताबिक अच्छी तरह ढल जाने वाले ये जीव कई तरह के शिकार पकड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए अपने तेज कान और कमाल की नजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तेंदुआ आज शिकार करने में कामयाब रहा तो दूसरे शिकारियों और मुर्दा खोरों से बचाने के लिए ये शायद लाश को पेड़ पर ले आएगा। ये तेंदुआ एक शूकर पर नजर रख रहा है, लेकिन आज बहुत गर्मी है और तेंदुए के लिए ये ऐसा मौका नहीं है जिसमें इतना दमखम लगाया जाए, और इसने कोशिश करने की बजाय दिन की गर्मी में सोते रहना और रात का इंतजार करने का फैसला किया। See that?